दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे शज़ाम फरी ऑफ द गॉड्स के पांचवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म के अब तक के टोटल इंडिया नेट ग्रॉस और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस फिल्म को इंडिया में लगभग 900 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया। अगर बात करें कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन में इंडिया में 3,80,00,000 का नेट कलेक्शन किया था, तो दूसरे दिन में 4 करोड़ का, तीसरे दिन में 3,75,00,000 का और अपने चौथे दिन में यानी सोमवार के दिन में लगभग 2 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। और इसी के साथ इस फिल्म के 4 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 13,55,00,000 हो चुका है, तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 16,70,00,000 हो चुका है। दोस्तों अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 4 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 780 करोड़ हो चुका है। अगर बात करें इस फिल्म के पांचवें दिन की कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने पांचवें दिन में इंडिया में लगभग 1,80,00,000 का नेट कलेक्शन करने वाली है। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट लगभग $115 मिलियन है। अगर इंडियन रुपीस में देखें तो तकरीबन 930 करोड़ होता है। दोस्तों अगर बात करें वर्डिक्ट की तो ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस में नहीं चल पाई यार, ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप साबित हुई है। इंडिया से बाहर ये फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है और हो सकती है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट भी हो जाए। तो दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।